आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है KM नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह भारतीय इतिहास के सबसे लैंडमार्क केसों में से एक रहा है और इस केस के बाद ज्यूरी सिस्टम को भारतीय कानून से ख़त्म कर दिया गया। KM नानावती एक सम्मानित नेवल ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी पत्नी के प्रेमी आहूजा की हत्या कर दी थी। नानावती ने इसके बाद पास के पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया था। यहाँ मुख्य मुद्दा यह था कि जो कृत्य नानावती ने किया वह सडन प्रोवोकेशन यानी उकसावे में आकर किया या पहले से योजना बनाकर किया। यहाँ याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि जब आहूजा और नानावती का आमना सामना हुआ तो आहूजा कहने लगा कि वह हर उस महिला से शादी नहीं कर सकता जिसके साथ वह सोया हो। इस बात से उत्तेजित होकर नानावती ने आहूजा को मार दिया। उनकी बहस इस तथ्य पर आधारित थी कि नानावती ने उकसावे में आकर हत्या की थी और इस कारण यह केस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का था। दूसरी ओर रेस्पोंडेंट्स का कहना था कि जब नानावती ने अपनी पत्नी का कन्फेशन सुना तो वह अपने बच्चे और पत्नी को सिनेमा घर छोड़कर जहाज पर गया और वहां से राइफल उठाकर आहूजा से मिलने गया। उन्होंने यह तर्क दिया कि इस घटनाक्रम से यह साफ तौर पर साबित होता है कि नानावती के मन में आहूजा को मारने की इच्छा थी और वहां कोई आकस्मिक उकसावा उपस्थित नहीं था। जूरी ने अपना निर्णय 8-1 की मेजोरिटी से नानावती को बेकसूर साबित करते हुए दिया। यह निर्णय नानावती के प्रति लोगों की संवेदना को प्रकट कर रहा था, परंतु सेशंस जज द्वारा इस निर्णय को पलट दिया और इसे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा दिया, जहां माननीय न्यायालय ने नानावती को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। जब इस निर्णय की अपील हुई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया और कहा कि नानावती को शांति धारण करने का पर्याप्त समय था और इस कारण यह प्रीमेडिटेटेड मर्डर था। हालांकि 1963 में नानावती को स्वास्थ्य कारणों से पैरोल प्रदान कर दी गई थी और गवर्नर ऑफ बॉम्बे द्वारा क्षमा कर दिया गया था। उच्च न्यायपालिका ने कानून की कसौटी पर विशुद्ध रूप से नानावती को दोषी माना था, परंतु कानून के क्षेत्र के आगे नैतिकता की दुनिया होती है। क्या नानावती द्वारा उस व्यक्ति की हत्या करना जिसने उनकी शादी और परिवार नष्ट कर दिए सही था? जनता का मानना था कि नानावती ने सही किया और यही जूरी का मानना था, परंतु कानून का मानना था कि यह सही नहीं था।